बारिश में पकौड़ा तल। हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं अपने एक फ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ जो कि मेरे साथ फ्रेंड यानी कि स्टडी भी करता है और साथ में हम रहते हैं। तो अपना नाम बताएं। तो फ्रेंड, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय कपूर। तो ये काफ़ी अरसे से गायब रहे हैं क्योंकि मेरे साथ वीडियो में नहीं आए क्योंकि ये कहीं गए हुए थे यानी ट्रैवल कर रहे थे। तो आप बताएं कहाँ कहाँ थे आप? तो फ्रेंड्स, मैं और रणबीर तिवारी ने हम दोनों ने साथ में ही स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी और साथ में ही स्टडी करते हैं लेकिन काफ़ी टाइम से जो है मैं अदर सिटी गया हुआ था तो हम ज़्यादातर अपने एक दूसरे के साथ वीडियोज़ नहीं बना पाए लेकिन अब फाइनली वापस आ चुके हैं क्योंकि हमारे अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो और मैंने बहुत सारी प्लेसेस कवर की है, इनके पास थोड़ा टाइम नहीं था इस वजह से जो मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ा हरचंद राम के साथ। और तो कराची मैंने विज़िट किया है, लाहौर के वीडियो व्लॉग्स भी मेरे चैनल पे आने वाले हैं और करतारपुर हो गया और मरी भी हो गया। तो काफ़ी जो है प्लेसेस आने वाली हैं तो यानी कि बहुत व्लॉग्स आने वाले हैं, आप इनका चैनल भी विज़िट करें यानी कि विनय कपूर। और मैं चैनल यानी कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में इनका जो टैग भी कर दूंगा इनके चैनल को। तो हम जाने वाले हैं अभी यानी कि सिटी में, उधर से कुछ चीज़ें भी खाएंगे और भाई से बातें भी करेंगे तो हम एक साथ ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आज जो है कि मौसम भी बहुत अच्छा है और चलते हैं सिटी का टूर भी करवाते हैं और कुछ जो है खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या खाने में मिलने वाला है आज। भाई बारिश बहुत हो रही है तो वो आपको दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं सिटी में और मिलते हैं वहाँ पे, तो वहीं पे मिलेंगे और कुछ चीज़ें भी दिखाएंगे और भी आप लोगों को हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अब हम आए हैं यानी कि जलंधर पर, इधर से कुछ समोसे वगैरह खाएंगे। तो यानी कि ये जलंधर नाम आप पढ़ सकते हो। तो इधर से हम कुछ समोसे खाएंगे क्योंकि ये सिटी के अंदर है और बहुत ही फेमस समोसे यहाँ पे मिलते हैं। और चिकन खाएंगे क्योंकि हम लोग चिकन तो खाते नहीं। तो देख सकते हो ये ओवरऑल का व्यू। तो ये है मार्केट और स्टॉक को पता नहीं, इधर काफ़ी शोर है, आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हो रही है पता नहीं, बट ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। और ये है जहाँ से हम समोसा लेने वाले हैं, ये समोसे। भाई कितने का समोसा है? कितने का? 30 रुपए का, ठीक हो गया। ये बाकी ये बर्गर, ये क्या चीज़ है भाई? भाई तो ये दोस्तों देख सकते हो रोल है, यानी कि रोल उसने बताया नहीं, गुस्सा है पता नहीं क्या है, खैर कोई ना। तो हम इधर बैठते हैं और अब हमारे लिए समोसे की प्लेट आने वाली है। तो दो प्लेट हम समोसा खाने वाले हैं। तो ये मेरे साथ, तो अब हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे आप लोगों का कैसा है। कैसा यानी कि बेकरी टाइप है, तो ये देख सकते हैं जैसे कोई बेकरी नहीं होती उसी टाइप है। हम आ चुके हैं यानी कि चमन आइसक्रीम। तो यहाँ से हम यानी कि एक आइसक्रीम यानी कि कप लेंगे, तो पूछते हैं कि कितने कितने का कप है। तो भैया कितने कितने वाला कप है? 30, 40, 50। अच्छा ये कौन सा वाला? 30 वाला। अच्छा 30 वाले दो बना दें। ये वाला कितने का? तो फ्रेंड ये यानी कि चमन आइसक्रीम मैंने पहले बोला था के सिटी रहमिया खान की सबसे फेमस आइसक्रीम है, काफ़ी बढ़िया है। और ये चीयर्स है, तो टेस्ट करो। कैसे लगा भाई? जैसा नाम सुना था वैसा ही है, चमन आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा फेमस था यहाँ पे लेकिन हम क्यों फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ तो टेस्ट करने के बाद पता चला कि वाकई इनका नाम क्यों फेमस है। अच्छा। तो भाई इनका जो टेस्ट है ना वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो जब भी आए हमने जस्ट टेस्ट करने के लिए लिया था छोटा सा कप, और अगर नेक्स्ट टाइम आए तो बड़े वाला कप लेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। भाई आ जाओ खाने। तो आया हूँ इधर और काफ़ी बढ़िया बनती है यानी कि ये जो कप होता है ये काफ़ी बढ़िया होता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों को कुछ
कोन है इस वजह से, यानी ये आइसक्रीम की वजह से इसके नाम से ही। तो फ्रेंड यहाँ से आप बलून वगैरह भी ले सकते हो, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया था। कैसा लगा खा के भाई? बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इससे बड़े वाले खाएंगे। यहाँ पे बड़े भी कॉइन्स मिलते हैं। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिब्बे वगैरह भी मिलते हैं, किलो के हिसाब से भी मिलते हैं। तो अभी जस्ट हमने टेस्ट के लिए थोड़ा सा लिया था, लेकिन भाई बहुत ही अलग लेवल का है, तो मज़ा आ गया। तो दोस्तों हम यानी कि हमें काफ़ी मज़ा आया, तो हम दोबारा भी यहीं पर आएँगे कभी, तो वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बारिश में आइसक्रीम खाई है, काफ़ी यानी कि ठंडी थी, गला ख़राब हो सकता है, बट गर्मी है कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों हम फिलहाल यानी कि फ्लाई ओवर पहुँच चुके हैं और मेरे साथ है, हमने काफ़ी यानी कि सिटी को एंजॉय किया। आप बताएं क्या कुछ हुआ आज? तो भाई आज हमने पूरा रहीम खान सिटी को एक्सप्लोर किया, और वहाँ पे जो भी है वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। बहुत मज़ा आया, और मौसम आज बिल्कुल ठंडा है क्योंकि बारिश की वजह से। तो भाई खाना भी खा लिया, घूम भी लिया, फिर भी लिया, अब आप जाने वाले घर की तरफ। और रास्ते में कोई और अच्छी चीज़ मिली तो उसको भी ट्राई करने वाले हैं, उसके बाद जाने वाले घर। और ये हमारा स्टेशन है, और ये हम हैं, और ये है वेदर हमारा। तो दोस्तों ये जो फ्लाईओवर है, इससे हमें यानी कि पूरा सिटी हमें दिखाई देता है, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो, यानी कि ये जो है सबसे ऊपर बनाया हुआ है, इधर से हम पूरे सिटी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इधर से कुछ पकौड़ा लेने वाले हैं, बारिश में पकौड़ा तो जलेबी भी है, पकौड़ा भी है, फेमस है, इधर से आप कभी भी आओ तो खा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने साथ में मिलकर एक टूर किया, और काफ़ी अरसे के बाद किया। हम दोनों एक ही साथ में पढ़ते हैं, रहते भी एक जगह पे, लेकिन काफ़ी यानी कि वीडियो में गैप आ गया, हम दोनों एक वीडियो में नहीं आए। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, आपको पता ही होगा। आप बताएं कैसा लगा आपको? तो आइसक्रीम खाई, जलेबी खाई, पकौड़े खाए, समोसे खाए, भाई बहुत मज़ा आया और पेट भर चुका है। और दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भाई करके जाए, हमें सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय 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 बाय।